सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोहम्मद ओएस व्लॉग्स और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद कौन सा बिजनेस करना है आजकल, यही सबसे ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस हैं। और या फिर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल हो ऐसी सिचुएशन में। दोस्तों, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो सिचुएशन चल रही है चाइना की और यूएस की, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी सिचुएशन सही नहीं है। कोई ना कोई डेली कंट्रोवर्सी चल रही है। यूएस काफी प्रेशर दे रहा है कि ये सब चाइना के वजह से ये वायरस स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और ये बात सच भी है जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसलिए सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। दोस्तों, कुछ कंट्रीज की नजर इंडिया पे जरूर है क्योंकि बहुत से रॉ मटेरियल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो इंडिया को अल्टरनेटिव ऑप्शंस में रखा जाएगा आने वाले टाइम में। इंडिया में होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सा होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेट्स से अगर आप जीरो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि बिजनेस के बारे में कुछ भी आप लोग को नहीं मालूम है, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आपको ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस चैनल को 1 लाख से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। सब्सक्राइब करने का आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा बिजनेस होलसेल कैटेगरी में बेस्ट है? दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए, आजकल सबके घर में सैनिटाइजर्स, मास्क, थर्मामीटर अवेलेबल है। लगभग समझ लीजिए 1 साल तक इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है इन सब प्रोडक्ट्स की। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर हेल्थ केयर का काफी ग्रो होने वाला है और करंट सिचुएशन में ये ग्रो भी हो रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में कदम रखते हैं और कैपिटल आपके पास अच्छी खासी मौजूद है ऑलरेडी, तो आप अच्छे से एक पर्टिकुलर बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर होलसेल करने के लिए आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो ये काम आप सप्लाई के तौर पे भी कर सकते हैं। लोगों को जाके अपने सैंपल्स दिखाएं और उनसे ऑर्डर ले लें। ये चीप एंड बेस्ट वे है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आप लोग सप्लाई का काम स्टार्ट करते हैं तो। बट अगर होलसेल करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और सोच समझ कर किसी भी बिजनेस पे इन्वेस्ट करिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें आएगी? जो फैशन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा गिरावट आने वाली है क्योंकि लोग अभी ट्रेवल नहीं करेंगे और पार्टी नहीं करेंगे, ट्रिप में नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, जो शौकीन मिजाज के हैं वो तो अभी इसको जारी रखेंगे। तो जितने फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स में फोकस होगा। दोस्तों, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। रेगुलर यूज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगे। होम अप्लायंसेस, किचन टूल्स, हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब आइटम्स की डिमांड कॉन्स्टेंटली ऐसे ही बनी रहेगी जैसे आज बनी है। ये सेक्टर अपना फ्लो मेंटेन करके चलेगा। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स पे। कंपटीशन लेवल हाई है कि लो है, आप कौन सी मार्केट पे हैं, वहां आपके आसपास कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, एक लंबी लिस्ट आ जाती है कैसे मार्केट में ग्रो करना है। बात कर लेते हैं, अगर कोई बिजनेस आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके जेन्युइन सप्लायर से कैसे बात करें। आप सबसे पहले इंडिया मार्ट पे अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करें, किस चीज पे आप इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। डायरेक्टली इंडिया मार्ट वाले आप लोगों को सप्लायर्स के नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। सारे सप्लायर्स के रेट टैली कर लीजिएगा जो इंडिया मार्ट वालों ने आप लोग के कॉन्टेक्ट पे भेजे होंगे, और कौन सी कैटेगरी आप लोग ने चूज की है उस पर अच्छे से एक बार नजर मार लीजिएगा। दोस्तों, जानकारी लेने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां आप लोग को काफी आसानी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोकली खुद से सर्वे करके पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में सप्लायर्स कितने हैं, मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स आपके एरिया में डील कर रहे हैं जो आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका कॉम्पिटिशन लेवल कैसा है आपके एरिया में। ये सब दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है जानना। देखिए, आपको रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मतलब आपको ये देखना होगा सबसे पहले आपके एरिया में टोटल मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स कितने हैं अगेंस्ट ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड। इजी लैंग्वेज में आपको बताएं तो अगर कोई प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा हैं, मान के चलिए 80 मैन्युफैक्चरर्स हैं और 100 डिमांड है, तो रेशियो काफी डेंजर हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और डिमांड ज्यादा नहीं है। और आप न्यूली इन्वेस्टर हैं तो मत करिएगा ये काम क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इतने मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं मार्केट में
और डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो। ये सब सारा डाटा गूगल के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितनी ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट्स की। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। देखिए, मेरा काम है सही एडवाइस देना, बाकी आप कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। एक सर्वे भी कर सकते हैं जिससे अच्छा आइडिया लगता है कि कौन सा होलसेल बिजनेस बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए और आपके एरिया में कौन सा बिजनेस चलने वाला है। सर्वे कैसे करना है, आप ऑनलाइन कैंपेन चला के भी सर्वे कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क के थ्रू भी सर्वे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी बिजनेस स्टार्ट करने में। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आजकल जो फेसबुक, यूट्यूब है, इन सब नेटवर्क्स पे आजकल होलसेल कोर्सेज चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म से ट्राई करिए। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले ऑनलाइन कोर्सेज की ट्रेनिंग कर सकते हैं। होलसेल बिजनेस में काफी चैलेंजेस रहते हैं, जैसे मैन पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब चैलेंजेस आपको फेस करना होगा। ये देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर सकते हैं तो करिए, कैपिटल लगा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लगाइए अगर होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और आने वाले समय में और कितना कैपिटल लगेगा ये सब भी पहले से जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा कम है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे मेन चीज आती है, सब ये सोचते हैं कस्टमर कहाँ से लाएं। आपने बिजनेस सेटअप कर लिया वेल सिस्टमेटिक वे में, अब कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे किया जाए आपके प्रोडक्ट्स में, उसके लिए आप एड कैंपेन चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। दूसरा है, आप सोशल नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपका बिजनेस जल्दी स्प्रेड होगा। बट ये डिपेंड करता है आप अपने बिजनेस को कितना शेयर करते हैं और कितना आप एक्टिव रहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। दोस्तों, आने वाले टाइम में होलसेल कैटेगरीज के जो बिजनेस है काफी डेवलप करेंगे अगर आपने सही कैटेगरी को अभी चूज किया तो। इतनी बेसिक्स चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर इसी टाइप की वीडियोस आप लोग को आगे भी चाहिए है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, मैं आप लोग के लिए इसी टाइप की वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग लाइक करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। Are playing, the candles are burning low.